हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ प्लांट्स अपने कटिंग से तैयार किए हैं, उन सभी के नेम, प्राइस, केयर टिप्स और किस तरीके से आपको कटिंग लगानी चाहिए वीडियो में सभी कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। फर्स्ट प्लांट आप मेरे सामने मनी प्लांट देख रहे हो। मनी प्लांट को मिट्टी में, पानी में ग्रो करना बहुत आसान रहता है। इसकी एक एक पत्ती से आप इसके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हो। मनी प्लांट को सुबह की सिर्फ 5 से 10 मिनट की धूप मिल जाए ऐसी जगह पर आप रखिए। पत्तों पर स्प्रे करके पानी डालिए और सॉफ्ट मिट्टी तैयार करिए, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। तो उसमें मनी प्लांट की रूट्स जो होती हैं बहुत जल्दी से फैलती हैं और ग्रोथ भी अच्छी होती है। 15 से 20 दिन में एक बार गोबर की खाद को पानी में भिगा कर रख दें और मनी प्लांट के पत्तों पर स्प्रे करें तो आपके मनी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसमें शाइनिंग भी आएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर इंग्लिश आईवी वाइट प्लांट जो होता है उसी की कटिंग मैंने लगाई थी और ये कटिंग भी मेरी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। ये एक सकुलेंट प्लांट होता है तो इसमें पानी कम डाला जाता है, लेकिन अभी जैसे गर्मी ज़्यादा है तो आप इनकी पत्तियों पर स्प्रे करके पानी ज़रूर से डालिए। और मैंने इसमें भी सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ही रखा हुआ है। सो नेक्स्ट, यहाँ पर जेड रखा हुआ है। ये जेड सभी मैंने कटिंग लगाई थी जो कि बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं और पत्तियों में आप देख सकते हो कितनी अच्छी शाइनिंग आई है, एक भी पत्ती सिकुड़ी हुई नहीं है। जेड जो होता है इसको पूरा दिन की धूप में आप रखा करें, लेकिन जिस टाइम पर आप कटिंग लगाएं तो उसे ऐसी जगह रखें सुबह के सिर्फ आधा घंटे की धूप मिले और वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट में ही आप कटिंग ग्रो करें। वर्मी कंपोस्ट के अंदर बहुत अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा होती है और कोकोपीट के अंदर काफ़ी देर तक पानी होल्ड रहता है। जेड प्लांट आपको नर्सरी में 60 से 80 रुपीज़ के मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट, यहाँ पर फिलोडेंड्रोन की एक वैरायटी है। फिलोडेंड्रोन जो प्लांट होते हैं इनकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। इनको आप मनी प्लांट की तरह ही सेम ग्रो कर सकते हो, ऐसी ही इनकी पत्तियाँ होती हैं और सेम आपको जैसे पानी के पत्तियों के ऊपर पानी स्प्रे करते हैं, कटिंग से तैयार करते हैं। आप इसको हैंगिंग पॉट में लगाइए, नॉर्मल पॉट में लगाइए या फिर इसी के पास कोई स्टिक लगाकर उसके ऊपर भी आप इसको फैला सकते हो। मिट्टी देखिए, मैंने यहां पर भी सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ही ऐड किया था। गर्मियों में हमारे कोकोपीट बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, या तो आप राइस खस्क भी ले सकते या फिर कोकोपीट भी आप ले सकते हो, दोनों ही चीज़ सेम वर्क करती हैं। कोलियस की कटिंग भी बहुत इजी तैयार होती हैं और आप इनकी पूरे सीजन में कभी भी लगा सकते हो कटिंग। मैंने ये कटिंग लगाई थी। कोलियस आपको नर्सरी में 40-40 रुपीज़ के मिलते हैं। कलरफुल लीव्स होती है, सुबह की एक घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए। 15 से 20 दिन में वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डाला करें। यहाँ पर मेरे सामने आप सेंसिवेरिया प्लांट देख रहे हो, स्नेक प्लांट। सेंसिवेरिया जो प्लांट होते हैं इनकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ये प्लांट भी आपको 80 से 100 रुपीज़ के मिलते हैं, लेकिन एक एक पत्ती से आप इनके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हो। अगर आप इनकी एक पत्ती को कट करके पानी में रख दोगे और उस पानी को 2 से 3 दिन में आप चेंज करते रहोगे तो कटिंग से भी, पत्ती से भी आप इसके न्यू प्लांट तैयार कर सकते हो। यहाँ पर हमने एक सिल्वर पोथोस, साटिन पोथोस जो प्लांट होता है उसी की एक कटिंग लगाई थी। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है और जब भी आपकी कटिंग लगाई आपने और उसमें से न्यू पत्ती निकल जाए तो समझिए आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो गई है। आपको मिट्टी में से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक कटिंग को तैयार होने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ये प्लांट भी आपको नर्सरी में 80 रुपीज़ का मिलता है और इसकी भी सेम मनी प्लांट जैसे केयर होती है। लकी बैम्बो प्लांट, बैम्बो जो होते हैं इनको लकी प्लांट काफ़ी माना जाता है। इनको ऑफिस वगैरह में, ड्राइंग रूम वगैरह में इस तरीके से भी आप डेकोरेट कर सकते हो। बैम्बो की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं और इनको पानी में भी, मिट्टी में भी ग्रो करना काफ़ी आसान रहता है, तो आप इनको मिट्टी में भी तैयार कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ कटिंग अपनी पानी वाले प्लांट से लेकर मिट्टी में लगाई थी और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी निकल आई है। बैम्बो जो प्लांट होते हैं इनको सिर्फ सुबह की 10-15 मिनट की धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए, या फिर ये टोटल इंडोर भी सरवाइव कर जाते हैं जहाँ पर सनलाइट जो होती है बिल्कुल छन कराती है, जैसे किसी विंडो वगैरह के पास, किसी मिरर के पास, ऐसी जगह पर भी आप रख सकते हो। ये भी मेरा एक फिलोडेंड्रोन का ही प्लांट है और इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैंने इसको भी कटिंग से ही तैयार किया है और ये प्लांट मैं 80 रुपीज़ का लेकर आई थी। इसको हम हैंगिंग पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, नॉर्मल पॉट में भी, और कोई स्टिक वगैरह लगाकर उस पर भी चढ़ा सकते हैं। 15 से 20 दिन में वर्मी कंपोस्ट को आप पानी में भिगाकर भी डाल सकते हो और ऐसे भी नॉर्मल आप इन प्लांट की ग्रोथ कर सकते हो। जैसे कि गोबर की खाद होती है उसका स्प्रे करिए, पानी में भिगाकर रख दीजिए और स्प्रे
बोतल में डाल के उस पानी को अपने सभी प्लांट में डालिए, तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट में साइनिंग भी आएगी। इंडोर प्लांट जो होते हैं इनको ज़्यादा हैवी केमिकल वाले फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको अपनी इनकी पत्तियाँ हरी भरी रखने के लिए हमें सिर्फ नाइट्रोजन रिच ही फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमने बेबी सनरोज की कुछ कटिंग लगाई थी और एक ही पॉट में मैंने इतनी सारी कटिंग लगा रखी हैं आप देख सकते हो, क्योंकि होगा क्या, एक तो ये प्लांट ऐसा है कि इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती, एक पॉट में सारी कटिंग सर्वाइव करेंगी तो भी सुंदर लगेगा, और दूसरी बात जब आपको लगे कि कटिंग सक्सेसफुल हो गई है और आप चाहते हो अलग अलग पॉट में लगाना तो इन्हीं में से निकाल कर हम इनको न्यू पॉट भी दे सकते हैं। ये प्लांट भी आपको 40 से 50 रुपीज़ का मिलता है, सकुलेंट प्लांट होता है, पानी थोड़ा कम डालिए, स्प्रे सिर्फ करिए पत्तियों पर, और इस पर मिलीबग भी लगती है, उसके लिए आप नीम ऑयल का यूज़ किया करें। व्हाइट वेलवेट प्लांट, व्हाइट गोसमोर भी बोलते हैं, व्हाइट वेलवेट भी बोलते हैं, इसकी पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं और मैंने इसको एक प्लास्टिक बोतल में ही लगाया था, एक कटिंग लगाई थी और बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। इसको भी सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप मिले ऐसी जगह पर ही रखिए। ग्रीन कलर की पत्तियों के ऊपर व्हाइट सा जाला बना होता है तो ये प्लांट बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसा लगता है। तो व्हाइट वेलवेट एक परमानेंट प्लांट है, इसके ऊपर फूल भी निकलते हैं। यहाँ पर मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग लगाई थी, ये मैंने कटिंग लगाई थी लेकिन इसके ऊपर तो न्यू लीव्स नहीं निकली, उसकी जड़ में से नया प्लांट हमारा निकला है और इसी के पास ये दूसरी कटिंग मैंने लगाई थी, तो दोनों ही कटिंग मेरी सक्सेसफुल हो गई है। सॉन्ग ऑफ इंडिया एक परमानेंट प्लांट है जो कि आपको 40 से 50 रुपीज़ का नर्सरी में मिलता है। इसी के पास मैंने कुछ जेड प्लांट की कटिंग लगाई हुई हैं और सभी बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग आप तब भी लगाओ तो नीचे की कुछ पत्तियाँ उतार कर तब लगाइए। यहाँ पर मैंने एग्लोनिमा की कटिंग ग्रो की है और एग्लोनिमा भी हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं लेकिन काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, 300, 350, 400 तक की रेंज में आपको ये नर्सरी में मिलते हैं। इन्हीं के पास बेबी प्लांट निकलते हैं तो आप एक प्लांट से ही बहुत सारे तैयार कर सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी ली है, यहाँ पर हमने कोकोपीट ऐड नहीं किया, क्योंकि जो हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, जेड प्लांट हो गया, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं इनके होता क्या है कि कई बार इनकी नीचे से पत्तियों की वजह से या फिर कैसे भी ब्रांच गल जाती है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी कमल प्लांट होता है मैंने ये वाला प्लांट में लेकर आई थी 150 रुपीज़ का, और इसके पास से छोटे छोटे जो बेबी प्लांट निकलते हैं इन्हीं में से निकाल कर मैंने ये वाला प्लांट अपना लगाया और इसको मैंने कोकोपीट में और नीम खली में लगाया था। नीम खली जो होती है वो फंगस नहीं लगने देती और प्लांट की ग्रोथ को भी अच्छा करती है, तो लक्ष्मी कमल भी कटिंग से तैयार हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल प्लांट जो होता है सिर्फ एक एक पत्ती से तैयार किया जाता है, मैंने भी ये कटिंग से तैयार किया है और मैंने इसका शॉर्ट्स वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। नर्सरी में ये आपको 250-300 के आसपास मिलता है, ये एक परमानेंट प्लांट है लेकिन फूल इसमें रात में ही खिलते हैं, दिन में इसमें फूल नहीं खिलते और इसको नमी वाली मिट्टी पसंद रहती है तो आपको इसकी मिट्टी में रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैंने रबर प्लांट भी सिर्फ एक कटिंग से ही तैयार किया है और इसमें देखिए न्यू पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो गई। मैंने ये पेंसिल शेप की एक कटिंग लगाई थी लेकिन इसको लगाए हुए मुझे करीब 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी निकल कर आई है, क्योंकि रबर प्लांट बहुत ही स्लो वर्क करता है, ये धीरे धीरे अपनी पत्तियाँ निकालता है। अगर आप अच्छे से केयर करते हो, फूड इस पर टाइम पर डालते हो तब जाकर ये जल्दी से ग्रो कर पाएगा। ये वाला प्लांट भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है और नर्सरी में ये प्लांट भी आपको 200-300 के आसपास ही देखने को मिलता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, इसको सुबह की सिर्फ 10 से 15 मिनट की धूप मिले आप ऐसी जगह पर भी रख सकते हो, या फिर अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हो तो ये बहुत बड़ी ट्री शेप ले लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर मेरा डेफिन बेचिया प्लांट है, ये मैंने सिर्फ एक बेबी प्लांट से तैयार किया है, इसको भी कटिंग से तैयार किया जाता है और इसका भी शॉर्ट्स वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये 150 रुपीज़ का प्लांट मैं लेकर आई थी और मैंने एक प्लांट से 3 प्लांट तैयार कर लिए हैं। इसको भी 1 से 2 घंटे की धूप मिले हम ऐसी जगह पर रख सकते हैं, पानी इसमें कम डाला जाता है, बालकनी गार्डन के लिए इस तरीके के प्लांट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। यहाँ पर हमारा ड्रेसिना प्लांट है, ड्रेसिना
जो होते हैं इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, इसको ड्रेसिना विक्टोरिया बोला जाता है। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। ये प्लांट मेरा बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर का जो हिस्सा था उसको अलग करके लगाया, ये वाला प्लांट है, और इसके जो नीचे का हिस्सा था जिसकी पत्तियाँ झड़ चुकी थी उसको मैंने अलग लगाया। तो ये मैंने कटिंग से तैयार कर लिया है और इसके मेरे पास 2 से 3 प्लांट हो चुके हैं। ये भी आप थोड़ा शेड में ही रखें, अगर धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियाँ जलने लग जाती हैं, ब्राउन होने लग जाती हैं। यहाँ की सारी पत्तियाँ झड़ चुकी थी क्योंकि ये सर्दियों में डोरमेंसी पर रहता है, उस टाइम इसकी ग्रोथ थोड़ी हल्की पड़ जाती है। इसको भी आप छाया वाली जगह पर ही रख सकते हो। पेंसिल कैक्टस प्लांट, ये कटिंग से इतनी जल्दी तैयार होता है, इसकी कटिंग कभी नहीं सूखती, और हाइट देखिए इसकी 5 से 6 फीट हो रखी है। 150 रुपीज़ का आपको ये नर्सरी में मिलता है, लेकिन एक परमानेंट प्लांट है। आप इसको धूप में भी रख सकते हो, छाया में भी रख सकते हो, प्लास्टिक बोतल में या फिर छोटे से छोटे पॉट में ये ईजी तैयार हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।